अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो कि आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल रेडीमेड लुक देगा। और इसे आप खास करके मोफलर हो या बेबी ब्लैंकेट हो उसमें डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये बनने के बाद। बनाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये हाथ से बना हुआ है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कोई भी अलग से फंदा का एस्टीमेट नहीं रखना है, हम अपने हिसाब से फंदा जितना हमें चाहिए हम उतना रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देख करके कम से कम एक बार फुल वॉच ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दो सिलाई हम बॉर्डर के तौर पर उल्टा उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि जो मैं डिजाइन आपको बताने जा रही हूँ वो तो खुद एक बॉर्डर है। आप उसे अगर चाहें तो अपने स्वेटर में, पूरा प्रोजेक्ट में ही वैसा बना सकते हैं। बनने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल ही रेडीमेड तरीका से बना है। दोनों साइड से हमें दो सिलाई, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा प्लेन बना लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, एक बार कम से कम ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये देखिए, आ गए हम अब सीधी सिलाई में। यहाँ पर से मेरा डिजाइन बनना स्टार्ट होगा, तो ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदा इसमें डाल रखा है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बनाएं या सीधा ये हमारी मर्जी है। फिर हम फंदा पीछे कर लेंगे, सॉरी, फंदा को हम अपने ही साइड रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, फंदा हमें इसी तरह रखना है, ये फंदा और ये फंदा इस तरह हम लेंगे, ऐसे हमें नहीं लेना है, ऐसे करके नहीं लेना है, इस तरह से हम लेंगे और ये फंदा आगे की साइड रहेगा। ऐसे हम थोड़ा सा लूज करके बना लेंगे ऐसे, फिर फंदा हम अपनी साइड करेंगे। फिर हमको इसी तरह से सिलाई डालना है, ऐसे ऐसे सिलाई हम नहीं डालेंगे, इस तरह से हम सिलाई डालकर ये देखिए ऐसे बना लेंगे। फिर फंदा अपनी साइड करके फिर से हम उसी पोजीशन में सिलाई डालेंगे। बस दो सिलाई का ये डिजाइन है और बहुत ही आसान डिजाइन है। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और ये दोनों फंदा को इस तरह से बना लेना है। फिर से फंदा अपनी साइड करके ये दोनों फंदा को इस तरह से बना लेना है, ये देखिए। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, दोनों फंदा को एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर एक फंदा बचा है तो इसको हम इसी तरह से पहले जाली देते हुए ऐसे बना लेंगे, फिर हम इसको स्लिप कर देंगे, आ जाएंगे उल्टा साइड में। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन आपको उल्टा में भी
उतना ही जरूर देखना है जितना आप इसे सीधा में देखेंगे, क्योंकि जब तक आप उल्टा इसका नहीं देखेंगे आपको ये डिजाइन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए डिजाइन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, उल्टा आपको पूरा देखना है। ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है, इसको हम इसी तरह से प्लेन बना लेते हैं। आप ध्यान देने वाली बात है, ये मेरा फंदा है जो हम रेगुलर बना रहे हैं, और ये जो है हमने जाली दिया था वो फंदा है। तो इसको हम इसके ऊपर से ऐसे इधर लाएंगे और फिर इसी को हम उल्टा ऐसे करके बनाकर इसे हम सिलाई पर से निकाल लेंगे, फिर इसको भी बनाएंगे, फिर से ये फंदा जो है इसके ऊपर से ऐसे हम इसे बनाएंगे और इसे इस तरह से इसके ऊपर से पहले हम निकाल देंगे बनाने के बाद। उसके बाद ये फंदा बचेगा तो इसको भी हम बना लेंगे। फिर से ये फंदा देखिए, ये पहले बनना चाहिए लेकिन इसको भी नहीं बना रहे हैं। ये वाला फंदा ऐसे लेंगे और इसको ऐसे बनाकर इसके ऊपर से हम इसे स्किप कर देंगे और इसको हम बना लेंगे। ये डिजाइन आप जितना लूज बनाएंगे लूज हाथ से उतना खूबसूरत बनेगा। ये देखिए इस तरह से, और इसे भी हम बना लेंगे। फिर इसको इस तरह से लेंगे, इसे बनाकर, और पहले वाला फंदा भी इसे भी बना लेंगे। फिर से इसके ऊपर से ऐसे लेंगे, इसको बनाकर इसे भी बना लेना है। फिर इसके ऊपर से लेकर इसे बना लेंगे, देखिए इसे भी बना लेंगे। अब हम फंदा पीछे करके इसको स्लिप कर लेंगे या बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। दो सिलाई में मेरा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको दूसरा बार बता देते हैं कि इसके आगे आपको किस तरह से बनाना है। ये एक्स्ट्रा वाला फंदा सीधा या उल्टा आपकी मर्जी। हमने पिछली सिलाई में इसे बनाने के बाद यहीं पर से इस तरह से फंदा बंद करना स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार हम फंदा को पीछे करेंगे और एक फंदा बना लेंगे ऐसे करके। अब जा करके हम फंदा आगे करेंगे और दो का एक कर देंगे और यहाँ पर मेरा फंदा बढ़ भी जाएगा ऐसे करके। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, दो का एक पीछे के साइड से ही करेंगे दो का एक। यहाँ पर मेरा बढ़ते हुए के साथ फंदा घटेगा। फिर फंदा अपनी साइड करके इस तरह से दो का एक कर देंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल नया तरीका है। आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। देखिए बनने के बाद आपको इतना खूबसूरत ये डिजाइन लगेगा कि हम बता नहीं सकते हैं। अब ये साइड वाला डिजाइन इसी तरह से आप बनाकर इसे स्किप कर लेंगे किनारे वाला, और अगर आप बनाते हैं तो बना भी सकते हैं। उल्टा में, हर सिलाई उल्टा में आपको उसी तरह से बनाना है। इस बार हम ये फंदा पहले बना लेंगे, इसके बाद ये जाली वाला जो फंदा है इसको हम इस साइड ऐसे लाकर इसे बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, उसके बाद ये फंदा बनेगा। पहले हम ये जाली वाला फंदा बनाएंगे, देखिए इसके बाद हम ये फंदा बनाएंगे। इस तरह पूरा सिलाई रिपीट करते जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हम इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइन हमेशा लाते रहेंगे। ये लास्ट वाला फंदा को फिर हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए, तो बनने के बाद देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत और रेडीमेड लुक दे रहा है। इसका पूरा प्रोजेक्ट अगर आप तैयार करेंगे तो ये देखिए इस तरह से लगेगा आपको देखने के लिए। देखने वाले भी पूछेंगे कि ये मशीन का बना हुआ है या हाथ का, तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।